जिंदाबाद। जनता की जन विरोधी नीतियाँ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद। जन विरोधी नीतियाँ लागू करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे रोडवेज का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्कूल कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदा करो। आज ये हमारा धरना प्रदर्शन डीसी के कार्यालय के ऊपर फतेहाबाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सत्रीय आह्वान के तहत हम कर रहे हैं। जो मोदी की जो सरकार अभी दोबारा बनी और हरियाणा में जो खट्टर सरकार है उसकी जो नीतियां हैं जिसके तहत वो वायदा तो करते हैं देश के नौजवानों को रोजगार देने का और देश के मजदूरों का मान सम्मान बहाल करने का और देश के नागरिकों को सबका साथ और सबके विकास का, परंतु जो व्यवहार में हम नीतियों के सत्र के ऊपर देख रहे हैं वो उसका बिल्कुल उल्ट कर रही है मोदी सरकार और खट्टर सरकार। वो जो लोगों का स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमराई हुई है। सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, टेस्ट करने की मशीनें नहीं हैं, बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, निजी संस्थाएं जो है लूट कर रही है और जो स्टाफ की भर्ती होनी चाहिए वो स्कूल कॉलेज खाली पड़े हैं, फीसें लगातार बच्चों की बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ तमाम जो रेलवे है, हमारी रोडवेज है, सड़क है और जो यातायात की जितने भी और जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उन सब को ठेके पर दे करके और पूंजीपतियों को प्राइवेट निजीकरण हाथों में दे करके एक लूट का नया रास्ता खोल रही है जिसका हम डट के विरोध करते हैं। इसलिए हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी के नेतृत्व के अंदर यहाँ धरने पर बैठे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री को इन मुद्दों को लेकर के मांग पत्र देंगे।